हेलो एंड वेलकम माय स्मार्ट गुरुजी यूट्यूब चैनल। आज की खबर मुख्य रूप से 9वीं एवं 10वीं वाले छात्रों के लिए थोड़ी बुरी खबर होगी, क्योंकि सरकार ने जो उनको एक योजना के तहत लाभ दिया जा रहा था, जिस योजना का नाम था वेस्ट ऑफ 5 योजना, उसको हाल ही में बंद कर दिया है। आइए आगे वीडियो में हम जानेंगे क्या थी वेस्ट ऑफ 5 योजना और इसका इफ़ेक्ट किस तरीके से छात्रों के ऊपर रहेगा और इसका फ़ायदा किस तरीके से प्रीवियस ईयर में छात्रों द्वारा लिया जा रहा था। पूरी खबर को देखेंगे, ध्यान से अंत तक देखेंगे और समझेंगे ये आपको या आपके बच्चों को किस तरीके से इस नियम का खामियाजा भुगतना पड़ेगा या उनको फ़ायदा होगा। दोस्तों, तो हम बात करें माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी कि मध्य प्रदेश बोर्ड द्वारा 2 साल पहले 17-18 में एक योजना आरंभ की गई थी। ये योजना थी कि यदि 10वीं वाला कोई छात्र अपने कक्षा के जो 6 विषय मुख्य होते थे, उन 6 विषयों में से किन्हीं भी 5 विषय में अच्छे नंबर लाता है और कोई एक विषय में जो कि उसका कमज़ोर विषय होता है उसमें फेल भी हो जाता है, तो उसको पास माना जाएगा। यानी कि उसके जो फेल होने वाले 6वें विषय का मार्क वहाँ पे उसकी अंक सूची में नहीं जोड़ा जाएगा। अब क्या नुकसान हुए इस योजना के, तो आइए जानते हैं पूरी खबर में। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस तरीके की योजना 2 साल पहले शुरू की थी, जिसका उद्देश्य था कि 10वीं के रिज़ल्ट में सुधार करना। लेकिन पहले साल तो सुधार हुआ, दूसरे साल रिज़ल्ट में और भी कमी आ गई। साथ ही साथ वहीं विद्यार्थी भी केवल और केवल 5 ही विषयों की तैयारी अपनी परीक्षा के लिए करने लगे, यानी कि उन्होंने 6वें विषय को छोड़ दिया और जो छोड़ने वाले मुख्य विषय रहे वो छात्र के रहे अंग्रेजी और गणित, जो कि छात्रों की पढ़ाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय हुआ करते थे। तो ये तो इस योजना का ड्रॉबैक था। बेस्ट ऑफ 5 योजना से रिजल्ट में कितना अंतर रहा, तो सरकार के आंकड़ों द्वारा 2017-18 में 10वीं का रिज़ल्ट 66% था। इस योजना के बाद दूसरे साल जो रिज़ल्ट प्रतिशत है वो गिरकर 61% लगभग हो गया और ज़्यादातर इन दोनों वर्षों में जो फेल होने वाले छात्र थे वो मुख्य रूप से गणित और अंग्रेजी विषय के थे। यानी कि इसके तहत लगभग 1 लाख ऐसे छात्र थे जो इन दोनों विषयों में फेल हुए। इसी कारण सरकार ने 10वीं और 9वीं को दिए जाने वाले इस नियम की समीक्षा कर इस योजना को बंद करने का फैसला किया और उन्होंने इसकी समीक्षा में जाना कि विद्यार्थियों की रुचि गणित एवं अंग्रेजी विषय से कम हुई है, इसलिए इसको बंद करने की तैयारी चल रही है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा मंडल या बोर्ड ने एक प्रस्ताव तैयार करके शासन को भेज दिया है और जिसकी लगभग कंफर्मेशन है कि इस योजना को बंद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये खबर थी उन सभी छात्रों और उनके पेरेंट्स के लिए जो छात्र उस योजना का फ़ायदा उठाकर केवल 5 ही विषय की तैयारी करते थे। अब इस संबंध में आप ही समझ सकते हैं कि इस योजना का आपको लाभ होगा, छात्रों के भविष्य को उज्जवल भविष्य में कन्वर्जन होगा या फिर इससे उनको नुकसान होगा, ये आप समझ सकते हैं। सरकार ने इस योजना को चालू किया था और उसको अगले सेशन से बंद करने का फैसला लिया है। दोस्तों, खबर कैसी लगी? अगर आपके लिए महत्वपूर्ण इस तरीके की खबरें हों तो प्लीज़ माय स्मार्ट गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन से संबंधित सभी खबरें तथा क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।